जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है, और अगर ये जल्दी ड्राइविंग करते समय दिखाई जाए तब तो इसके कहने ही क्या, आपकी जान पर भी बन सकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। वीडियो को पहले पूरा अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो में आप देखेंगे कि आपको एक सड़क दिखाई दे रही है जिस पर पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से सड़क पर बने हुए गड्ढों में पानी जमा हो गया है। तभी अचानक सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है। कार की स्पीड पहले से ही कम है, और जैसे ही वो पानी के ऊपर आती है उसकी स्पीड और भी कम हो जाती है। ठीक उसी समय पीछे से एक पिकअप आती है। पिकअप की स्पीड पहले से ही बहुत ज्यादा है, और जैसे ही वो कार के नजदीक पहुंचती है, बजाय रुक जाने के कार को ओवरटेक करते हुए उससे आगे निकलने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ जाती है, और फिर डिवाइडर पर घसीटती हुई आगे जाकर साइड में बनी हुई दुकानों के सामने जाकर रुक जाती है। इसी बीच वो कार से टकराती भी है, लेकिन गनीमत रही कि कार पलटती नहीं है, बल्कि कार से टकराकर पिकअप साइड में जा रुकती है। खुशकिस्मती थी कि इस दुर्घटना में पिकअप भी सलामत रही और कार भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये घटना क्यों घटी? इस घटना के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और वो है पिकअप चालक का ओवर स्पीड में होना और कार से आगे निकलने की ख्वाहिश रखना। आप देखेंगे कि शुरू से ही पिकअप की स्पीड बहुत ज्यादा थी, और बजाय स्पीड कम करने के कार के नजदीक आने के बाद भी उसने कार से आगे निकलने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो डिवाइडर पर चढ़ गई। कभी भी अगर आप ड्राइविंग करें और आपको ऐसे रास्ते मिले जहां पानी भरा हुआ हो, बारिश का कीचड़ जमा हो, ऐसी स्थिति में आप अपनी स्पीड को बेहद नियंत्रण में रखें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। किसी भी वाहन से आगे निकलने की, उसको ओवरटेक करने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे रास्तों पर बड़ी धैर्य के साथ में बड़ी ही नियंत्रित स्पीड में ड्राइविंग करें।